महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है, जिसके चलते उनके निधन से भारत शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने 6 फरवरी 2022 को ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अपने 70 से भी ज्यादा लंबे करियर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कई बेहतरीन गाने गाए और अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रही। 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी मखमली आवाज में पिरोकर पेश कर चुकी लता मंगेशकर सफलता का वो मुकाम हासिल कर चुकी थी जिसे शायद ही कोई और हासिल कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गानों के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके गाओं के बारे में बताने वाले हैं। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे। दीनानाथ मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में श्री बाबा माशेलकर से गायन और संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। वो 11 साल की उम्र में किर्लोस्कर संगीत मंडली और किर्लोस्कर नाटक मंडली में शामिल हो गए। दीनानाथ के अच्छे लुक्स और सुरीली आवाज ने उन्हें मराठी थिएटर में लोकप्रियता दिलाई। सुरों की मलिका लता को गायकी अपने पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिली थी। बताया जाता है कि 4-5 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने पिता से संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि लता पिता के साथ जागरण में भी गाया करती थी। धीरे धीरे उन्होंने रंगमंच में भी गाना शुरू कर दिया। लता ने अपना करियर शुरू ही किया था कि उनके पिता का साल 1942 में निधन हो गया। बता दें कि जब उनके पिता का निधन हुआ था तब लता महज 13 साल की थी। भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से उन पर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में 13 साल की छोटी सी उम्र में ही पैसों की तंगी दूर करने के लिए लता मंगेशकर ने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से लता मंगेशकर ने कभी शादी भी नहीं की। वहीं उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर दिग्गज गायक और संगीतकार आरडी बर्मन से शादी की। इतनी अच्छी आवाज होने के बावजूद उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती गईं। लता मंगेशकर ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर की सीख को जीवन भर नहीं भुलाया। लता का कहना था कि उनके पिता की सीख से ही वे जीवन में आगे बढ़ी हैं। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ने ये सीख दी थी कि गाते समय यही सोचो कि तुम्हें अपने पिता या गुरु से बेहतर गाना है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का गोवा से काफी गहरा रिश्ता है। उनके पिता और दादा इसी राज्य के मंगेशी गांव से थे और दीनानाथ मंगेशकर के पिता गणेश भट्ट नवाथे एक करहाड़े ब्राह्मण थे तथा प्रसिद्ध मंगेशी शिव मंदिर गोवा में पुजारी थे। साथ ही भगवान मंगेश उनके परिवार के कुल देवता माने जाते थे। यही वजह है कि लता की फैमिली ने मंगेशकर उपनाम रख लिया। लोग इसे लता मंगेशकर का मंदिर भी कहते हैं। आपको बता दें कि मंगेशी गांव मशहूर गांवों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको लता मंगेशकर के गाओं के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।